करो मेरे तो नाच बचाए मेरी जान नाच रजिया गुंडो मैं फंस गई ओए मैं लेटी हो जाते आई डोंट नो व्हाई लेकिन ये लगता है नजर इज रियल यार नजर इज रियल यार ये दानी हिंदी छोटा मार मैं तेनू कह रहा हूं मैं तेनू भजावांगा तू अब तूने शादी कर लिया क्या मैंने नहीं करनी है छोटा मार हेलो दोस्तों मैं शेपर जाफरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एवी हर चीज कंटेंट के लिए एवी कपड़े पहन लेता है अजीब अजीब नई से नई ड्रामेबाजी आइटमबाजी करता रहता है तो यार आप लोग बिल्कुल ठीक हो बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है असल में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ड्रेसिंग मैंने की है अल्लाह माफ करे अल्लाह मुझे माफ करे अल्लाह मुझे हजार दफा माफ करे मर्द को ये ड्रेसिंग करनी नहीं चाहिए लेकिन सीन दरअसल ये है इसको अभी पी आर आया फिटिंग चेक कर रहा है अभी पी आर आया और ये मुझे कह रही है कि वो ना ये थोड़ा सा ज्यादा टाइट है मैं माँ हूं तो काफी मतलब ये पूरा नहीं आएगा तो मैंने आखिर ना पा अब जिन्होंने ये पीआर भेजा है या जिनका ये सूट है उन लोगों से मेरी खास 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 विनती है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे तो केस नहीं करना तुसी ये मेरी गलती नहीं इसमें चीजें ये पहन के ना तो मुझे बस एक दो चीजें अच्छी लगी हैं जैसे ये जो ड्रेस है ये कई चीजों के लिए बना हुआ है इसमें आप कई चीजें कर सकते हैं मतलब आप इसको एज अ नाइट ड्रेस भी यूज कर सकते हैं देखो मैं इनकी अच्छी प्रमोशन कर रहा हूं मुझे पता है फातिमा अच्छी प्रमोशन करे ना करे लेकिन मैं मुझे नहीं पता ये पीआर आया कि इनकी तरफ से लेकिन फातिमा जब पहन के इनका पीआर कर देगी तो मैं माफ कर देना वरना उन्होंने पता है किनका पीआर है अव्वल एक तो ये नाइट ड्रेस है दूसरा एकदम जो है ना वो ऐसे करके वो शिफू स्टाइल मतलब इसमें जो है वो एज यू नो आपका भाई जो है वो ब्लैक बेल्ट है ब्लैक कलर तो है लेकिन ब्लैक बेल्ट भी है आउटफिटर्स की बेल्ट दो बेल्टें पड़ी हुई है मेरे पास फिर मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप घर में इजीली आप बैठे तो दिस इज द गुड वे ऑफ एक्सरसाइज इसको अच्छा। बुरा मत समझिए इसको ये ना समझिए कि आप मतलब खुद को लड़की लड़की फील कर रहे हैं वो तो करेंगे जाहिर है क्योंकि वो चीजें पूरी नहीं है आपके पास लेकिन इसको आप जैसे लो लो शबर नहीं शबर नहीं उड़ के चली मस्त गगन में शबर सफर लास्ट तक रुला वाह हाला वाला को अच्छा वो सूफी वाला हाला वाला को सूफी वाला खैर इतना मजाक बहुत होता है हमें आई थिंक ये फ्रॉक उतार देनी चाहिए मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना वो गेटस आ रहे हैं अपने अंदर वो खैर तो बात फिर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अभी के लिए जा सकते कैसी लड़की हो तुम दुपट्टा नहीं पहना हुआ और ऐसी घूम रही हो देखो हम बोल्ड लोग हैं हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं तुम अपनी आंखें ठीक करो मुझे मेरे दुपट्टे की तरफ नहीं देखो तुम पीस कम पड़ गया था तो ज्यादा लेके आना था ना अब हम लोग जो हैं वो खुद ही पीस कम लेते हैं अमीर लोग हैं तुम्हें नहीं पता हम खुद ही अपना पीस कम लेते अच्छा खासा शोर क्या बना दिया यार तो क्या बना दिया मतलब क्या बना दी बन गए ना तुम मैं बेटा बहुत देर का बना हूँ तुम्हें नहीं पता तुम तो बहुत बुरा बना हूँ मैं बहुत देर का अल्लाह मान तौबा ओह ये पूरी फिटिंग दो ना इसके ओह माय गॉड ये मुझे पहनने काबिल बस छोड़ देना इसको ये पूरी फिटिंग बना रही है इसकी मजा आया ना दुपट्टा नहीं पहना साफ लाओ ये तो ओए मैं लाना भी है मैं बाथरूम भी जाना है तो नहीं यार फातिमा है की हरकत जाके सैंडल भी लाओ है मैं देती हूँ दो चार चीजा ने भी लाओ चक्कर बाहर का लगाओ हाँ सही बाहर का लगाओ मैं तुम्हें जो बोलोगे वो दूंगी बाहर का चक्कर लगाओ भी ये पहन के कसम से अल्लाह की कसम तुम जाओ हाँ बाहर जाओ मैं अंदर हो जाऊँ तुम्हें तुम मेरा वाला आईफोन ले लेना क्या iPhone 15 तुम्हारे हाँ, हाँ। नहीं नहीं वो नहीं मुझे नहीं, नहीं, नहीं बेटा मैं तो नहीं हम ऐसे लोग नहीं है
हम अपना आईफोन के पीछे अपनी इज्जत नीलाम नहीं करते, इज्जतदार लोग हैं हम लोग। आईफोन से बेचना चाह रही है मुझे 512 GB नेचुरल टाइटेनियम आईफोन 15 प्रो मैक्स आखिरी ऑफर नहीं चले जाओ परो होए 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 खबरदार मैं नहीं जा रहा। चल चल घर से फायर लगेगा इधर इधर शर्त रख दिए एक मिनट लाइट ऑन करो ये नाचेगा मैं नचवावांगा तेनू सबर कर मैंने कहा मैं अपना वाला मोबाइल दे रही हूं तू नाचेगा इधर 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 बात सुन मैं जो हूँ ना अपनी मर्जी से नाचने वाली हूँ तुम लोगों को ही अपना मतलब तेरे जो बहुत आए बहुत गए नाचो चल 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 मैं तुम लोगों से डर नहीं रही बदतमीज़ी ना करो मेरे तो नाचे चल थापी मार इसमें थापी मार कोई लड़कियों की मशहूर गाली निकाल दे उनका जो तूने सूट पहना है बंदा ना तेरा कुछ है बड़ा मरता लेटिए कंजर आवे लेटिए तो ये है दरअसल हमारा अपना असल आउटफिट, मतलब जिस आउटफिट में इंसान को रहना चाहिए। मैं दरअसल हूँ लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का बनाया गया, मैं बना नहीं हूँ, बनाया गया सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की मैंने वो फ्रॉक क्या पहन ली, इन लोगों ने मजाक ही समझ लिया। खैर खैरियत से तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, व्लॉग भी डाला नहीं है, आप लोगों को भी ये गुस्सा होगा, लेकिन सीधी सी बात है भैया व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि दानीन जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है, हम सारा वक्त जो है वो बेटी को दे रहे हैं, सोशल मीडिया वीडिया सारा कुछ एक तरह से जाए भाड़ में, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आप फैमिली हैं, आपके साथ मैं इंस्टाग्राम पे दूसरे सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहा हूँ, जितने लोग भी एज यूजल मैं बता भी चुका हूँ कि आंटीज हैं, मोम्स हैं, और बहुत सारी मतलब मेरी बहनें ऐसी हैं जो टिप्स दे रही होती हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मेरे भाइयों से मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया हर वक्त कैमरा पकड़ के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना इन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम इसी हालत में हैं, अभी हम लेके जाएंगे डॉक्टर को, डॉक्टर के पास दानीन को, और हम देखेंगे कि डॉक्टर क्या बोलता है, आज भी खैरियत से लेके जाना है, क्योंकि बेबी की हल्की सी भी आपको ऊंच नीच लगे, हल्की सी भी थोड़ी सी आपको लगे कि यार बच्चा अपनी आदत से हट रहा है, तो आप उसको सीधा डॉक्टर के पास ले जाएं खैरियत से। और सुनाओ ठीक हो? हाँ, सब खैरियत है। माय नेम इज मैरी बिस्किट। यार मैं लड़कियों वाले कपड़े पहन लेती, तुम लड़कों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? मैं तो पहनती हूँ, मैं पैंट शर्ट नहीं पहनती। पुराने हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले दिन कब आएंगे? ओए हर वेले बड़ी गलत गल होंगी यार, प्यो धी वाला सिस्टम नहीं करीदा होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर उसके बाद।
उसके बाद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। खैर मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे काम है बहुत ज्यादा, करेंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। अजानें शुरू हो गई हैं, छत पे बैठा हुआ था, एक वीडियो एडिट कर रहा था, जाके खैरियत से नमाज पढ़े, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगु करते हैं। अभी नमाज पढ़ के आ गया हूँ, गाड़ी में बैठ गया हूँ, साथ हमारी बेगम साहिबा, हमारी नन्नी मुन्नी काकी, अरे यार काकी बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे ये काकी काहे को बोलता है रे, बोलो मेरी बच्ची का अच्छा खासा नाम है, मतलब दानीन यार होता है, एक बाप प्यार से भी तो बोलता है ना, क्या हो गया वो, मतलब आप बेटियों को बेटा भी तो कह सकते हो ना, उसमें क्या बेटी। खैर अभी हम जा रहे हैं दानीन का चेकअप करवाने, जो थोड़ा सा हेल्थ चेकअप है, बिकॉज दानीन जो है वो दो चार दिन पहले हम गांव में गए, वहां पे तकरीबन हर हाथ में जो है वो गई है, उसकी वजह से ना वो कुछ होते हैं जो साथ देखते देखते माशाल्लाह भी नहीं बोलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जब से पैदा हुई है, मैं किसी की भी बेटी कहीं पे देखूं, इस उम्र की बच्ची देखूं, या मैं माशाल्लाह ज़रूर बोलता हूँ कि यार नज़र ना लगे उस बच्ची को, आपकी ज़ुबान से पता है अगले का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये लगता है, नज़र इज़ रियल यार, नज़र इज़ रियल यार। ये दानीन थी। खैर अभी है दानीन का हेल्थ चेकअप, जिसमें हमें डॉक्टर को दिखाना है, पूछाना है कि दानीन को उसके बाप की तरह थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, दानीन को खैर इस एज में बच्चों को हो जाती है, और इसके अलावा दानीन को थोड़ा सा फीड लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और वो खाना सही से हजम नहीं कर पाती, आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा जो है वो मैं थपकियां दे रहा होता हूँ, इसकी माँ थपकी दे रही होती है कि कम से कम डिकार ले ले, लेकिन बच्चा थोड़ा सा, तो डॉक्टर से एक मरतबा जो है वो हम कर लें इसलिए, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी हमें फील हुआ है, तो हम डॉक्टर से दिखा देते हैं कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देता है, क्योंकि अभी तक तो हम घर की लेडीज़ की ही मान रहे थे जो कमेंट्स में हमें मिल रही थी। अभी हम अपने दानीन का चेकअप करवा के आए हैं, एंड डॉक्टर साइड के थोड़ी सी ना इसको अनसेस्टर से ही जो है ना वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पता नहीं उसको कैसे पता चला, लेकिन मैं तो वहाँ पे भाई मैं नहीं माना, नर्सों के सामने मैं तो नहीं माना कि मेरे को गैस है, तो उन्होंने कहा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप थोड़े को ड्रॉप्स व्रॉप्स लिख के दिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा उन्होंने कहा दानीन इज वेरी वेल माशाल्लाह से, नज़रों से बचाएं, बस उन्होंने ये कहा है। और सेकेंडली थर्डली अभी हम आए हुए हैं बर्गर खाने, बर्गर कुंडेंगे, यहाँ पे एक बर्गर की शॉप है पीछे, बर्गर तुन के कुंड के मैं और फातिमा फिर घर जाएंगे। और ये ड्रॉप्स कितने घंटे बाद मिले हमें, मतलब सॉरी ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि हमारी बारी आई तकरीबन 3 घंटे बाद, मतलब आप देख रहे हैं कि वो एनर्जी खत्म हो गई अंदर से, वो बात करने का वो रुचि मर गया मेरा, 3 घंटे के बाद बारी आई है, और 3 घंटे के बाद फातिमा ने सिर्फ 2 मिनट में उसको प्रॉब्लम बताई है, उसने अगले 3 मिनट में बात ड्रॉप्स लिख दिए और बात खत्म होगी, तो मैंने इसको एक बात बोली, मैंने कहा और देर बात करना, डॉक्टर हंसने लग पड़ा, क्योंकि सीन ये था कि अमाशुद के हाँ कौन हो गया, हाँ पापा व्लॉगिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पापा साथ साथ भाई बहनों को भी बता रहे हैं, बात की मैंने कहा यार जब मैं कभी आधे घंटे बाद आता था तो 1 नंबर ऊपर जाता था, आधे घंटे बाद आता था तो 1 नंबर बढ़ता था आगे, तो मैंने कहा लोगों ने इतनी देर लगाई, तू ही कोई 20-25 मिनट को उतना गल्ला कर, पता लगे कोई अपना, मैं सारा इलम लैके ना कोलो तो उठी डिग्री लैके उठे, मुझे समझ नहीं आती लोग इतनी देर लगा किस चीज के लिए रहे थे। खैर इस बार खैर प्रॉब्लम्स होंगी उनकी भी, बट यार इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, मतलब या तो डॉक्टर से ज्यादा कर लें वो लोग, मैं बताऊंगा नहीं डॉक्टर साहब कौन थे और हॉस्पिटल कौन सा था। अंडे वाला बर्गर मिलेगा ना, अभी सब अच्छा लग रहा है, अभी इन्होंने मैं अच्छी चीजा खुवाई ने, लोग ही अंडे वाले बर्गर आ रहे हैं। 3 घंटे से भूखी थी मैं, 3 घंटे से मैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने बाथरूम से दूसरे वाले कमरे के अंदर, तो मुझे अभी अभी हमजा साहब ने बताया कि आपके बाथरूम में एक अदद पूंड का गखड़ है। पूंड का गखड़ मींस मतलब डेमू ऑरेंज फ्लाइज बेशमार, ऑरेंज फ्लाइज का एक जो है वो घर है, पूरा घर है, यूएफओ है, तो हम आज उस यूएफओ को हटाएंगे तीनों मिलके, पुत्र ना मारेगा तो मैं कुछ और सजा दे,
एक सेकंड, आप लोगों ने मेरा ख्याल है अभी तक और अपना यूएफओ नहीं देखा, फोन का मैं आपको दिखाता सर। आगे हो, आगे हो। ओ एक दफा लग गई। ए ओ उठाते पे। हां ओए नहीं है नहीं, चल मार। पिछली बार भी तू इंजी कीता है, सुरकर दे घर दे बाहर तू छेड़ के नस गया। मेरी आंखा सोच गई हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। दादा चल ना कोई कुड़ी कर ले अपने मोबाइल च, जिंदी कंची वर्गी सुभान अल्लाह। तो बाद में ना ये ले, ये इसने ट्रक में इतना मारा ध्यान नाल। ओए ना छेड़ दो, ना छेड़ दो, ना छेड़ दो, ना छेड़। ओए यार पागल ना, मेरे को चंडा ना खाई यार, चंडा ना खाई जा। मैं भी राउंड चेंज कर रहा हूं। चुप चुप चंडा खाएगा छोटा मार। दोस्त ना करे दुश्मन ना करे दोस्त ना किया। लड़ाई ओ यार जा यार, ड्रामे ना कर, तेरे डेम व्लॉग के पीछे पीछे हो यार। मामा वो देखो लाल हो गया, ये लाल हो रहा है सारा। पीता नहीं हूँ, चलो दी वैक्स बना रहा हूँ यार। तेरा व्लॉग मान गया पागल है तू, अजीब काम कर रहा है। बाकी लड़े झूठा दी बेज होई है तू, इधर करे ना, इधर करे ना, इधर करे ना। ये देख रेड हो गया, नजर आ रहा है। ना मजाक ना सुकार यार। मेरी बच्ची है रशिया नहीं है, तुम लोग उस पे थोड़ा ट्राई कर रहे हो। उसने उल्टी कर देनी है, अभी दूध पिया पाओ। ओ दे दे रिया तुझे। एक तो जितने गल्लां कर दी है ना छप्पर दे नाल पागल हो गया। घर भी लोग कर दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? मैं भी कैमरा ऑन करके बैठ गया। तेन की गुआया, पागल तो नहीं हो गया? अरे जी है दुश्मन, यकीन कर लो, भरावा कदी ना करो दुश्मन ही हो तुसी। नहीं बाहर हो, चल चल निकल यार।